हमारा प्रचार ये घूमना फिरना। तो गाइस टाइम हो गया 10:57 अप्रॉक्स 11 बजने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं अभी खिरसू के लिए और वहीं से पौड़ी के लिए निकलेंगे। मैं सुबह आ गया था घर से श्रीनगर तक का ब्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज यार दौड़ाना था सुबह, इसने कहा कि 10 बजे तक यहाँ पहुँचाना, इसलिए मैं घर से कैमरा नहीं लगाया। अभी यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी खिरसू यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है एंड वहाँ से पौड़ी है 10 किलोमीटर, श्योर तो नहीं हूँ बट 40 किलोमीटर है शायद से टोटल। अरे क्या कर रही है यार, पुलिस वाले क्या बोल रहे हो? ओए। सो गाइस अभी मैं श्रीनगर पर पहला ब्लॉग बन रहा मेरा, तो पहले मैं श्रीनगर आया हूँ बट वीडियो शूट कभी भी नहीं हुआ यहाँ का। आज जितनी भाई ने बोला कि आगो एक ब्लॉग शूट करते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ को जाएंगे, ये है खिरसू वाला रूट और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे पौड़ी। पौड़ी तो गया भी हूँ बट खिरसू आज तक कभी नहीं गया हूँ। ये लिंक रोड टाइप की है शायद से कुछ ऐसी। अच्छा वो मैं इनसे आगे नहीं निकला वरना मुझे तो रास्ता भी पता नहीं था, पता नहीं आगे कहीं चले जाता। ये क्या रास्ता है रे भाई? अच्छा ये कट आउट है यहाँ से, शॉर्टकट। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक द चैनल केएलडीपी मोटो व्लॉग्स। तो कहानी आपको पता चल गई है, आज जाने वाले कहाँ हैं, हम सारा कुछ आपको मेंशन कर चुका हूँ मैं पहले ही। तो अब यहाँ से प्रॉपर रोड स्टार्ट हो चुकी है, अच्छी लग रही है, वैसे भी इतनी ख़राब तो है नहीं बट सिंगल वे है शायद से यार। अभी ना जो गली से लेके आए ना, मेरे घर की गली भी ऐसी है, आपने देखी होगी, बट वहाँ पे ऐसे बैंड बैंड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बैंड था एकदम से। सो गाइस यहाँ से देखो श्रीनगर किस तरीके का लग रहा है, यहाँ से ऐसा दिखता है श्रीनगर। एंड गाइस अभी हम श्रीनगर से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से खिरसू लगभग 15 किलोमीटर होगा और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं इस रूट के। सिंगल वे जरूर है बट अच्छी रोड है, गड्ढे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। हेमवंती नंदन बहुगुणा स्मृति द्वार बुघाणी यहाँ से लिखा है। अच्छा खिरसू 14 किलोमीटर है यहाँ से नीचे तो। अच्छा ये कॉलेज के लिए जा रहा है क्या? जो कॉलेज है वो है। अच्छा इधर ही को जाना ना भाई। अच्छा ये बुघाणी के लिए जा रही है और ये खिरसू के लिए जा रही है आगे को। टाइम हो गया अभी 12:14। खिरसू का नाम मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, काफ़ी वीडियोस देखी थी यहाँ की, तो मुझे काफ़ी प्यारी लोकेशन लगी और इन्होंने भी बोला कि वहीं जाना है खिरसू, तो मैं कहा चलो ठीक है खिरसू ही कर लेते हैं फिर। और आज का हमारा प्रोग्राम यही है कि खिरसू से पौड़ी और पौड़ी से श्रीनगर, आज श्रीनगर में स्टे एंड उसके बाद मैं कल को घर निकल जाऊँगा, जित्ती भाई निकल जाएंगे उत्तरकाशी के लिए। भैंसकोट यहाँ का नाम है जो जगह है, बोल्ड पे लिखा हुआ है भैंसकोट, तो ये भैंसकोट जगह है कोई। खिरसू से पहले एक जंगल पड़ता है, तो अभी हम उसी जंगल में, जंगल में तो नहीं है सड़क में हैं चल रहे, मतलब सड़क के इधर उधर पूरा का पूरा जंगल है। बाकी ये देखो ऊपर क्या सॉलिड से नज़ारे दिख रहे हैं, पूरी हर्सिल वाली याद आ रही है, अच्छी घाटी है ये पूरी। वो देखो KTM वाले उधर भाग गए। बाकी ये यहाँ से शायद उधर जाएंगे ना जितने हम, अच्छा उधर नहीं, वो पता नहीं कहाँ की रोड है, हम ऊपर को जाएंगे शायद से। एक चीज़ नोटिस करना है, इधर गोबर इतना ज़्यादा हो रखा ना रोड पे, ये इसलिए हो रखा कि इधर उधर जंगल है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे गाय वाय छोड़ते होंगे इसलिए। बाकी रोड एक नंबर है यहाँ की। अब यहाँ से खाकरा 38 किलोमीटर, खिरसू 2 किलोमीटर, पौड़ी 21 किलोमीटर। हाँ रुक रहे क्या? चलो रुक जाते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ से देखो व्यू गांव में सारे, वहाँ से घूम के आया हम इधर को। तो ये देखो ये है खिरसू मार्केट, मार्केट ही होगा खिरसू ही होगा ये, मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं है। ब्रेकर काफ़ी बनवा रखे यार यहाँ, ये देखो ना एकदम से लिंक रोड है यहाँ की। हाँ
रुकना है क्या? क्या कह रहा? हाँ समझाई, गियर डाउन कर रहा ना, गियर डाउन। हाँ तो पड़क की आवाज वहां से आ रही है। अरे नहीं, मेरी आदत है ऐसी, मैं फट फट करके करता हूँ ना। पीछे तो ये हो गया चौबट्टा खाल। अभी यहाँ पे देखते हैं खाने खुने का कुछ, अगर होगा कहीं पे तो खाते हैं, वरना आगे जाके ही देखेंगे कहीं पे अगर ढाबा वो मिलेगा तो। हम अभी तो पार्क में चलने नहीं मिलेगा ना, ना ना पार्क में चलेंगे पार्क। अच्छा पार्क में चलेंगे, खाने का तो कुछ हो जाए पहले, खाना मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये देखो यार क्या छपरी बाजी हो रही है। बुआ खाल सुना होगा आपने, तो ये है बुआ खाल मार्केट। हर चोरी बात है जिस रात तू ही लगा ना मुझे। तो अंधेरा होने को लग गया और हम अभी भी पौड़ी क्रॉस नहीं कर पाए। सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंच जाएं। उस टाइम पे ना यहाँ पे पूरा पहाड़ हुआ करता था, ये वाला ये पूरा पहाड़ था यहाँ। ये अभी कटा है, मतलब कुछ साल पहले कटा होगा, एक दो साल पहले। तो जब हम 2016 में आए थे तब यहाँ पे कुछ पूरा पहाड़ था, ये सारा का सारा पहाड़ था। ये मैक्स वाले भैया ना काफ़ी दूर से चल रहे हैं हमारे आगे से। ये रोड कहाँ से कहाँ के ले जा रही जितनी? अच्छा ये आरटीओ के ले जा रही। अच्छा अच्छा ये कॉलेज के लिए जा रही है, आरटीओ प्लस कॉलेज। हाँ हाँ हम श्रीनगर के लिए जा रहे हैं तो नीचे के लिए जाएंगे ना। अभी हम पौड़ी मार्केट में हैं प्रॉपर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। हाँ पाबो पैठानी वाली ऊपर के लिए ना, देवप्रयाग के लिए। तो यहाँ से ये कट गए श्रीनगर के लिए, वो कट गए पाबो पैठानी देवप्रयाग के लिए। तो अभी हम जाएंगे श्रीनगर के लिए। बाकी देखो काफ़ी चेंज हो गया यार, 2-3 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया पौड़ी में। जब हम पहले आए थे उस तरीके की रोड नहीं थी, उस तरीके के मकान नहीं थे, उस तरीके की दुकानें नहीं थी। अभी काफ़ी डेवलप हो गया पौड़ी। ओ भाई आराम से चलना यार। किधर को जाएंगे? अच्छा नीचे जाएंगे। मुझे पता नहीं है ना एग्जिट यहाँ का कि कहाँ को जाना है। देखो स्कूटी वाले पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। भाई पता नहीं क्या दुश्मनी है भयंकर, अब सड़क से दुश्मनी है, हमसे दुश्मनी है। भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी बाय बाय।